हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेशन ट्रिप, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ का चैप्टर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर को पढ़ने की सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि केमिकल रिएक्शंस कितने तरीके की होती हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 5 तरीके की केमिकल रिएक्शंस को दिखाया गया है, जिसमें पहली है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, या हम इसको रिडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो हम एक एक करके इन सभी के बारे में पढ़ेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, इन रिएक्शंस को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाएगा, कौन कौन सी रिएक्शंस हैं जिसे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे, और कौन सी रिएक्शंस हैं जिसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे, और फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसी होती हैं, और फिर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन किन्हें कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि टाइप्स ऑफ रिएक्शंस कौन कौन सी हैं और किन रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से पता चल रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या मतलब होगा। कॉम्बिनेशन यानी कि कंबाइन किया जाएगा किन्हीं दो एलिमेंट्स को और फाइनली प्रोडक्ट में कुछ बन जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पहले एग्जांपल में देख रहे हैं कि कार्बन है और इसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड है। जैसे कि फिजिकल स्टेट में हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, प्रीवियस वीडियो आपने देखी हो, और नहीं देखी हो तो आप देख सकते हैं कि फिजिकल स्टेट्स ऐसे, आगे हम एस लिखते हैं तो भाई सॉलिड है इसका मतलब वो एलिमेंट, जी लिखा हुआ है तो गैस है, और ए क्यों लिखा हुआ होता तो एक्वास होता। तो भाई यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कार्बन है और ऑक्सीजन O2, ठीक है, तो यहाँ दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की डेफिनेशन की बात की जाए तो भाई इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। तो जहाँ पर ये जो आपको रिएक्टेंट दिखाई दे रहा है और ये प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो रिएक्टेंट में दो और दो से ज़्यादा एलिमेंट्स यानी सब्सटेंसेस कंबाइन होंगे और प्रोडक्ट में जाके एक न्यू सब्सटेंस बनाएंगे। तो दोनों ही एग्जांपल में ये दिखा रखा है कि कार्बन है और ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाया है इसने, फिर इस तरीके से हाइड्रोजन है और यहाँ ऑक्सीजन है, H2O प्लस O2 बराबर H2O जो कि क्या होता है, वाटर। तो ये एग्ज़ाम्पल हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, ये याद रखना, एग्ज़ाम्पल जब आप टीचर के सामने बताएंगे कि एग्ज़ाम्पल और पेपर में लिखेंगे, एग्ज़ाम्पल के साथ लिखें हर चीज़ को। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन आ जाए क्या होता है तो आप उसकी डेफिनेशन को लिखें सबसे पहले, उसे एक्सप्लेन करें, और फिर साथ में अगर आप एग्ज़ाम्पल देते चलेंगे तो एक्सप्रेशन अच्छा होता है और फुल मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे, कहीं पर भी टीचर को एक भी मार्क्स काटने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। कोई भी गलती निकालने की कोशिश भी करेंगे टीचर तब भी निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि आप सब कुछ लिख रहे हैं वहाँ पे, एग्ज़ाम्पल भी दे रहे हैं। तो इन ऐसे इस तरीके के 2-3 एग्ज़ाम्पल याद रख लीजिए, और मेरे हिसाब से मोस्टली जितने भी एग्ज़ाम्पल्स आपकी बुक में हैं वो सारे एग्ज़ाम्पल याद रखिए कि कौन कौन से एग्ज़ाम्पल्स हैं जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इन ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन टू प्रोड्यूस टू और मोर सिमिलर सब्सटेंसेस। तो बिल्कुल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उलट है, ये उसका उल्टा है कि यहाँ पर कि जो एक सिंगल कंपाउंड है वो ब्रेक होगा और दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस में ब्रेक हो जाएगा वो, यानी कि अब जो दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस हैं वो प्रोडक्ट की साइड आ जाएंगे एरो के बाद, और जो कंपाउंड है, जो एक सिंगल कंपाउंड है वो रिएक्टेंट की साइड आ जाएगा। तो द डीकम्पोजिशन रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट। अब यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन तब मोस्टली होती है जब हम उसे कुछ ना कुछ सप्लाई करेंगे, एनर्जी
एनर्जी सप्लाई करेंगे इन द फॉर्म ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट की फॉर्म में, तब वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, तभी कोई एक कंपाउंड ब्रेक होगा। ऐसे नॉर्मली वो रूम टेम्परेचर पर ऐसे ब्रेक नहीं हो जाएगा, या कहा जाए कि जिस अवस्था में, जिस स्टेट में वो है वहाँ पर, तब वो ब्रेक नहीं होगा, उसे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ले जाना पड़ेगा, तब जाके वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। तो हम बात कर लेते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन कौन सी होती हैं। जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। इस तरीके से थर्मल डीकम्पोजिशन, ये भी एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन दिखा रखे हैं यहाँ पे। CaCO3 ये ब्रेक डाउन होगा CaO और प्लस CO2 में, तो ये एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। इसी तरीके से है फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन, इट इज़ एन ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। AG+BR में ब्रेक डाउन हो गया। तो ये एग्जाम्पल्स हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस व्हेन ए सब्सटेंस इज डीकम्पोज बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, द प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें जब हम किसी एक कंपाउंड में, जैसे यहाँ दे रखा है H2O क्या है, वाटर, जब हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, व्हेन वी आर पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी इन ए कंपाउंड, देन द कंपाउंड ब्रेक डाउन इन टू एंड मोर सब्सटेंसेस, देन वी कैन से दिस दैट रिएक्शन इज इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर जब रिएक्शन होती है तब उसे इलेक्ट्रोलाइसिस कहेंगे, ठीक है। तो H2O जैसे आपको दिखा दे रखा है, यहाँ पर वाटर है H2O, इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो H2 अलग हो गया और O2 अलग हो गया है। यहाँ पर इंफॉर्मेटिव रिएक्शन बनाने के लिए, इंफॉर्मेटिवली लिखने के लिए फिजिकल स्टेट्स को भी दिखा रखा है, ये चीज़, ये लिक्विड है H2O, और जब इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो वो लिक्विड जो है वो ब्रेक हो गया, वो H2O जो वाटर है वो ब्रेक हो गया गैसेस की फॉर्म में, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। तो एग्जाम्पल है डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। डायग्रामेटिकली भी दिखा रखा है कि ये कैथोड जो कि नेगेटिव साइंस से दिखाया है मैंने, और एनोड जो कि पॉजिटिव साइंस दिखाया है। तो नेगेटिव जो है नॉन मेटल आयंस होते हैं, नेगेटिव जो होते हैं हमारे नॉन मेटल आयंस होते हैं, आप देखेंगे यहाँ पर नेगेटिव साइड पर नॉन मेटल आयंस होते हैं और पॉजिटिव साइड पर मेटेलिक आयंस होते हैं, यानी कि मेटल आयंस होते हैं। तो ये और डिटेल देने के लिए बता दिया, लेकिन एग्जाम्पल यहाँ पर मेरा मेन जो फोकस है वो मेरे एग्जाम्पल पर है कि ये एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है जिसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कह सकते हैं। नेक्स्ट है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हेन ए सब्सटेंस डीकम्पोजेस ऑन हीटिंग इट इज़ कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन। यानी कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए तो रिएक्शन हो रही है तो उसे इलेक्ट्रोलाइसिस बोलेंगे, जब हीट पास की जाए तब रिएक्शन हो तो उस रिएक्शन को हम थर्मल डीकम्पोजिशन कहेंगे, यानी कि थर्मल रिएक्शन बोलेंगे, और अगर वो डीकम्पोजिशन के रिएक्शन हुई तो उस रिएक्शन को हम थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे CaCO3 है, ठीक है, ये सॉलिड है जिसमें हीट पास करी तो CaO अलग हो गया और CO2 गैस जो है वो बन के, वो CO2 गैस अलग निकल गई, तो ये एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। मेन फोकस जो मेरा नेक्स्ट एग्जांपल है डीकम्पोजिशन रिएक्शन का, फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। व्हेन ए सब्सटेंस इज डीकम्पोज इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज़ कॉल्ड और फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। यानी कि जो रिएक्शन फोटो यानी लाइट, जो सूर्य की रोशनी में जब हो रहा है, जैसे AgBr और Ag अलग है और Br अलग है, यहाँ प्रोडक्ट के साइड देखिए, प्रोडक्ट के साइड में, क्योंकि रिएक्शन जो हमारी केमिकल इक्वेशन होती है इसके अंदर एक होता है रिएक्टेंट का साइड, एक होती है प्रोडक्ट की साइड। तो यहाँ पर रिएक्टेंट में एक कंपाउंड है और वो ब्रेक हो गया दो में, तो इसी को हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कह रहे हैं। यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी कि जो लाइट, सनलाइट है वो यूज़ हो रही है, इसलिए वो फोटो केमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगी ये, ठीक है, फोटो केमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, जिससे और भी लोग इस वीडियो से फ़ायदा ले सकें। थैंक यू।